हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। खुशामदीद, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पतिनो हजरात, आज शो का आगाज करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से, और आज की फिल्म है मशहूर इंडियन मूवी डर। डर का शुमार बॉलीवुड में बनने वाली नई और अच्छी फिल्मों में होता है। एक तरह से ट्रेंड सेटर कहा जा सकता है इस फिल्म को, कि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो विलन है। सच पूछें तो सुपर हिट कैरेक्टर इसमें था भी विलन। 3 में रिलीज हुई, इसका बजट 3.5 करोड़ था जबकि इसने कमाया 26 करोड़। सर, ये शाहरुख खान की पहली फिल्म थी? नहीं, पहली फिल्म दीवाना, फिर उसी गो में माया मेम साहब वॉज अ वेरी गुड मूवी, लेकिन शाहरुख इसमें सही तरह से रजिस्टर नहीं हो पाया क्योंकि स्टोरी बहुत जानदार थी। मदाम बवारी की एडेप्टेशन थी, बहुत बड़ा नॉवल गस्ताव फ्लॉबेर का। लेकिन आगे चल के ये जो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस तमसील को अगर समझना हो तो शाहरुख खान का करियर देख लें। वो आया, बिल्कुल रजिस्टर नहीं हुआ, धीरे धीरे उसने अपना मार्क छोड़ना शुरू किया और फिर एक वक्त आया कि उसने डर जैसी फिल्म बना दी। फिर डर के बाद एक सीरीज ऑफ सुपरहिट मूवीज, बाजीगर राजू बन गया जेंटलमैन, एंड अबव ऑल दुल्हनिया लेके जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया। वही मतलब है, उसको सिर्फ आप दुल्हनिया भी कह दें तो आप रिलेट कर सकते हैं। इस फिल्म का एक तुर्रा इम्तियाज ये भी है कि नॉर्मली 99% बॉलीवुड हो या लॉलीवुड हो, हम चरबे बनाते हैं, लेकिन इस फिल्म का चरबा हॉलीवुड में बना और उसका नाम भी फियर था। और ये 1996 की बात है, यानी 3 साल बाद। अब ये रोल आमिर खान को मिल रहा था और उसने झटक दिया ये कह के कि भाई ये विलन का रोल है, ये तो मैं नहीं करूंगा, और विलन भी ऐसा जो पागल साहब। और किस्मत देखें शाहरुख खान की जाग उठी, उसे एक बहुत शानदार रोल करने को मिला। और याद रखिए कि ये तीसरा बड़ा विलन कैरेक्टर सुपर हिट हुआ। नंबर 1 ऑफ कोर्स गब्बर सिंह, फिर एक कैरेक्टर था मोगैम्बो, अमरेश पुरी मोगैम्बो खुश हुआ। और उसके बाद डर का शाहरुख खान। सर, ये फिल्म आपने देखी है डर? हाँ जी, देखिए डर। मैं समझता हूं अगर कामयाब हुई है तो शाहरुख खान की वजह से। स्टोरी बड़ी हल्की फुल्की सी, आम सी, म्यूजिक का जहां तक ताल्लुक है एक गाना बहुत अच्छा, क्योंकि डायरेक्टर अच्छा था, उसे पता था कम से कम एक गाना मुझे ऐसा जरूर देना है जो इसका थीम सॉन्ग बन जाए, जो इसकी सिग्नेचर ट्यून बन जाए। ऐसा लंबा चौड़ा सर पैर नहीं था, क्रश हो जाता है एक लड़के को अपनी क्लास फेलो राहुल है फिल्म पैरोडी में डमी कैरेक्टर्स के साथ। किरण, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो लोगों का प्यार से एतमाद उठ जाएगा, मोहब्बत का नाम कोई नहीं लेगा और मैं ऐसा नहीं होने। शाहरुख तो ना सनी देव बैठा। आई लव यू किरण। सर, ये इसको किरण क्यों कह रहे हैं? और तुम कौन हो भाई? मैं किरण हैगी हां, ऐ वो जी हिंदी है कि सर मेनू वड्डा बुखार हो गया हैगा। इस फिल्म दा टाइटल किरण ने कीता है डर। ये रास्ता, मैं इसके इश्क में पागल, मेरे इश्क जो अन्ना हुई है। अगर मुझसे किरण कहे तो मैं अपने सीने से अपना दिल निकाल के इसके सामने रखूं। ना भी कहो ना, आप भी काट ले। आप लोगों को क्या पता इसके बारे, क्योंकि जब ये बोलती है तो फूल झड़ते हैं। इधर डर ना, फूल झड़ जाते जिम्मे गैस का मेटल नहीं झड़ जाता है। जब ये गाती है तो झरनों की आवाज आती है, झरनों की चीखों की आवाज आती है। ही मैं मार गया। ये एक बीमारी है, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक किरण के बारे दास रहे ने। ये उस बेचारे राहुल की बात कर रहा है। जब ये चलती है तो वक्त थम जाता है। वो कहना तू लग जा साड़ी कह रहे। उसका हुस्न देखकर परियां शर्मा जाती हैं। ओ यार, आप सचमुच पागल है? हाँ, कह दो कि मैं पागल हूँ। तुम्हारी नजर में तो जो भी मोहब्बत करता है वो पागल ही हुँ?
हाँ मैं पागल छोड़ो दुनिया को किरण क्योंकि आई लव यू किरण इत सिटी क्यों फंसी हुई है कौन बांदर जया वो ये गल शाहरुख खान को पूछ रहे हैं अच्छा तुम कुर्सी क्यों उठाए फिर रहे हो और ना कहे थे जेड़ा भी आएगा ना अपनी कुर्सी लेके आवे और तुम तो वैसे भी कुर्सी बना लेते हो अच्छा मैं कोई कंटीन ते काम नहीं करता मैं सनी देवल हां वाह 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 ते हुन तक मैं पहचानिया ही नहीं तुसी नहीं 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 हुन देखो अच्छा एक बात समझ में नहीं आई कि ये सनी देवल किस तरह हो सकता है जे ऐ दुई चावला हो सकती है मैं तो रॉबर्ट डिनेरो भी हो सकता डांस कैसा मैं अच्छा मेनू इना आंदा मेरे प्यो नु सिर्फ इना ही आंदा इसका पीछा छोड़ दो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है सिर्फ मेरी अरे नहीं जा मैं कदम फड़े तेरी ले जा मेरी जान चढ़ा बल्कि मैंने 10 में छड़ के कितनी आवा मैं 8-9 बार छड़ के भी आया वापस आ जाती है एक बार तो मैंने बोरी छपा के छड़ के आया बोरी भी पाड़ के वापस आ गई अच्छा किरण मुझे एक बात बता तू बोरी किस तरह पाड़ी फिर तू बकवास क्यों नहीं बंद कर देगा हूं तू बोले ना मैं पागल तेरे छड़ देना है डांस देखो मेरा है सारी दुनिया चिट होया है लता जी ने बड़ी तारीफ की थी अरे डांस तुम क्या करोगे डांस तो मैं करूंगा अपनी किरण ये जो भी आता है अपनी कुर्सी क्यों लेके आ रहा है कौन दसे फिल्म लेगा कुर्सी लेके आएगा अच्छा बाहर चार एक्टर बैठे लोगों को कुर्सियां नहीं है तेरे की हालत तेरा अच्छा ये अनुपम खेर है ए ते भाई जान ने रख कुर्सी बेचना है ए दा भरा है ते बल्ले ना किरण नु कुटना होर पुत्र तू ठीक हैगा हां जी मैं तेनु नहीं किरण नु पुछदा पया क्यों है किरण बोलदा नहीं है ये मजदूर का हाथ है मजदूर दा नहीं तेरा अपना लांतिया अच्छा सही फिल्म का जिक्र किया मेरी ना क्यों नहीं किया तुसी भाई आपकी वो फिल्म बड़ी शानदार थी जिसमें मीनाक्षी थी क्या शानदार डांसर और अच्छी एक्ट्रेस थी अच्छा मैं तो वेखा तुसी पहले और भी बड़ी तारीफ करते हो हीरो की नहीं करते तुसी नहीं हीरो की भी करता हूं और डायलॉग मेरा नहीं सुने आपका तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख हां बहुत अच्छा ये मैं नवाज शरीफ के बारे में किया है वो नहीं मेरा सुना डायलॉग कौन सा काठिया ये मजदूर का हाथ है लोहा पिघलाकर उनका आकार बदल देता है तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बन के रहूं तू कहे तो काटू तू कहे तो भोकू चल तेरी मान लेने हैं अच्छा सुना इस फिल्म के दौरान आपका झगड़ा हो गया था यश चोपड़ा के साथ जी होया है क्यों हम देखो ना यश चोपड़ा आज दसी के ए तेरे सामने छुरी मारेगा अच्छा ये बढ़ती मैं नेवी का अफसर हूं मैं उन्होंने कहा चोरी मार रहे पीछे मेरा ध्यान इधर कराओ पीछे मार दो छुरी मेनू शाहरुख ने गलती ना किरण ने छुरी मार दी और यश चोपड़ा ने इन्हें इनाम दे दिया ये बताओ किरण इतनी हसीन होती थी उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ असल शादी तो 8 दिन बाद ना साढ़े घर का चूल्हा फट गया सी और चूल्हा इन वेख के फटिया सी ना ओ मुंडा जो तेन मिस कॉल मारता सी मिस कॉल नहीं थी प्रैंक कॉल्स थी वो मैं तो सिर्फ इसकी आवाज सुनने को फोन करता था नफरत कर दी है तेरे को लोग किरण प्लीज अरे मेरे पीछे पे आया चवल गया ना होवे ता नो किरण नो प्लीज प्लीज ऐसा मत कहना किरण मेरा दिल टूट जाएगा शाहरुख है दुनिया की आखिरी कुड़ी नहीं मैं कहता हूँ अगर आखिरी भी हो प्लीज मेरी किरण के बारे में ऐसा कुछ मत कहो राहुल पुत्र मेरी सिस्टर तो देख ले वो तो इतना कई गुना बेहतर है शाहरुख ना करो बांदर लेना है दसे तो मेरी जान छड़नी की नहीं लो जी शाहरुख फोत होने लगा जी ओए बात हम उड़े आ बंदरा पुत्र बन किरण तेनू कह रहा है किरण छोड़ इस दुनिया को मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर लेके जाना चाहता चलो चलो मेरे साथ चलो और तुम इसे किधर ले जाना चाहते हो सर दरअसल शाहरुख होना था गटर फंसे है किरण बड़ा अच्छा गटर काटता है मैं नहीं जाना है अंग्रेजा सोदे नु मैं चुक के छड़ा हूं चलो मेरे साथ मैं नहीं जाना है नहीं जाना ओ काका शाहरुख इन्हें इंजनी जाना है बल्ला फड़ इन कुटदा ले जा सारे मेरे तो शोल हो गए मेरे साथ चलना पड़ेगा सुनील जी मैं चली गई तो मर जावांगी जे तू ना गई तो मैं मर जावांगा आ जाओ किरण मैं तुम्हें अपनी मां से मिलूं तू जानता है कि नहीं जानता असल में मैं किरण दा भरा
ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਚਪਨ ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਸਤਾ ਥਾ ਉਸਕਾ ਉਦੋਂ ਕਿਰਨ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਰਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ